पुलिस केस है बाजू, मैं उसको हाथ भी डाल सकता हूँ। जो जी बाली का यार है और बाली किसी पर भी हाथ डाल सकता है। बाकी उम्र डॉक्टरी करनी है तो चुप करके जज्जी की गोलियां निकाल। उसे कुछ हो गया तो कल इस ड्यूटी से तेरा चेकअप शुरू हो जाएगा। सिर्फ गोलियां नहीं निकालनी, उसे जिंदा भी रखना है, ये बहुत जरूरी है। पुत्र जी, मैं हुकुम साहब बड़े गुस्से में तड़पते फिरते हैं। पिछले चौबीस घंटे की बात करें, हुक्म ने जज्जी को गोली मरवा दी है। जज्जी तो फिर मौत की घोड़ी चढ़ गया है। जज्जी बच गया बाजी। है जी, बच गया मतलब? और वो गोली? गोली उसने चूस कर फूंक दी है। तुम्हें पता है जब मैं तुम्हारे घर से जाने लगी थी तो जोरा ने मुझसे अंग्रेजी में क्या कहा था? कहा होगा मुड़कर वापस ना आना। तुम्हें कैसे पता? मैं लिफाफा देखकर खत का मजमून पढ़ लेता। तुमने उसे कुछ नहीं कहा? नहीं। क्यों? आपने कौन सा फिर आना है? तुम एक बदतमीज, होवर और चाहे लड़की से मोहब्बत करते हो। मेरा ये कहना बुरा है।
इमाम जी पर अच्छा नहीं लगा। इस तरह जाओगे तो हाथ मत रखो। मैंने तुम्हें क्यों बुलाया था? क्यों बुलाया था? कोई बड़ी डील करते। इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। कोई बिजनेस? माम जी, मेरी शक्ल से लगता है मैं कोई कारोबार करूंगा। शक्ल से तो मैं भी नहीं लगती, लेकिन कारोबार करूंगी। बोलो, खर्चा मेरा मुनाफा 50%। शख्स के हाथ में है एक सीधी सादी हकीकत। चढ़े इस ख्वाब को नोच कर उतार दूंगी। मैं इस ख्वाब को उसकी आंखों पर से नोच कर उतार दूंगी। तुम वहां क्यों खड़े हो? सीख रहा हूं कि किसी की आंखों से ख्वाब कैसे नोचे जाते हैं, और तुम एक बात मुझसे सीखो, कैसा भी किसी की आंखों से नोच कर उतारा नहीं जा सकता।
छोरा काला अम्मा घर पर नहीं है। दरवाजा क्यों नहीं खोला? दरवाजा खुला था। गुस्से में क्यों? बोल, खाना खाएगा या खा के आए? चाय पी के आ गया हूं। खाना भी खा लिया हूं तो खाना तो तू खिलाएगी ना? अच्छा, एक चाय वाली एक खाने वाली, तेरी तो मौजूद होगी ना बाली? तो खाना बोल जोरा। रुखा बोलूंगी तो क्या करेगा? खाना नहीं खाऊंगा। खाना नहीं खाएगा कि खाने के लिए चाय वाली के पास जाएगा? सड़ ना जोरा, चाय भी तेरे हाथ की पीऊंगा। पीऊंगा? और वो जो पी के आया तो किस पर थूकेगा? जोरा, जोरा का नाम ना लेना। जब तक मुंह में खैर की चाय का स्वाद है, मुझसे जोरा का नाम ना लेना। सोचा हम जो लोगों को जुल्म करने से रोकना चाहते हैं कभी कभी खुद कितने जालिम होते हैं। शट अप टोनी, जोरा से बाली को छीनने की बात भूल जाओ महा, वरना किसी रोज खुद कहोगी तुमसे बड़ा जालिम कोई नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि बाली जैसा शख्स किसी जोरा की कैद में नहीं होना चाहिए। मोहब्बत में कैद अपनी मर्जी से होती है माँ, इसमें कोई बाली किसी माहन के कहने पर बेल आउट होने की आरजू नहीं करेगा। जी बच गए। बच गया है तेरे शहर में लगता है गोलियों में मिलावट होती है। उसका बच जाना ठीक है बाली जी। क्यों जी? सुना है बाली का यार इलेक्शन में कम आता है। सदके सदके हुए मैं आपका बड़ा ही लूटार लगा दिया सत्ता में तो लोगों के मुद्दे पर हाथ रख देता है। आप समझ नहीं पाए जी, सियासत में दोस्तों से दुश्मनी नहीं लेता।
ہاں جس دوست کے دشمن بننے کا ڈر ہوتا ہے میر مبارک صاحب وہ کبھی دوست نہیں ہوتا وہ کبھی دوست نہیں ہوتا میر مبارک صاحب ہاں اس نے ماری ہے گولی نیر چراغ کے کسی آدمی نے نیر چراغ ججی کی چھینوں سے بیاہ کرنا چاہتا ہے چل بالی ججی پتہ نہیں زندہ بھی ہے یہ نہ کہیں کہ ججی مر گیا چچی زندہ ہے تیری آنکھوں میں آنسو کیوں پاگل ہے چچی کو مر تو نہیں کیا یہ نہ کیا چچی تو پھر اتھروں کے موتی آنکھوں کی پوٹلی میں رہنے دے تو ڈگے کے چچی کے لیے اتنی قیمتی چیزوں کا نقصان نہ کر اپنی قیمت تو میرے دل سے پوچھ ججی تیرے جیسا تو ایک نہیں ہے چل رہنے دے چراغ کی گولی سے مر جاؤں گا میں چراغ کی ایسی کی تیسی پولیس میں پرچہ کراؤ اور میں چراغ کو اندر کراؤ نا نا چھینی بالی کے تھانے میں پرچہ کروانے کا رواج نہیں ہوتا ایک خبر تمہیں ججی کی سنی ہے چراغ کے کسی پتر کی سنے گی اگر تو میں چراغ کی گولی سے مر جاتا تو پانی میں بڑا غصہ کرنا تھا چچی
मेरा भाई इज्जत का निशान बनेगा। प्लीज लाइन। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक ठाक है पुत्र जी। केले खा रहा हूं, सेब का जूस पी रहा हूं। आप अपनी तबीयत का सुनाए, वापसी कितने बजे है पुत्र जी? वापसी वाले का पुत्र जी, अब्बा जी को सीधा सीधा जवाब देना, कोई आपसे सीखे। पिंड में अब्बा जी बकैदगी से अखबार पहुंचता है, इसलिए मैं टेलीफोन पर आपकी खबरें नहीं सुन सकता। नलका, पर तुझे सियासत के बल फरेब का पता होता तो मैं मुबारक के बजाय टिकट तुझे ना मिलता। सौ मरबों पर हुक्म चलता है यहाँ, पर वहां मुझे हुकूमत करने के लिए टिकट का तहला नहीं लगना पड़ता। इसीलिए कह रहा हूं पुत्र जी, पिंड जाकर अपनी हुकूमत पर चौकी ले आया पर हुक्म चलाए, और शहर में तो किसी ने आपकी आज ही नहीं सुननी। शहर में दो जमा दो पांच नहीं होते भाई। अच्छा, तो सीधी तरह तो तुमने पिंड जाना ही नहीं। पिंड तो अब्बा जी अब मैंने नहीं जाना। ये तो मुझे पता है कि बुनियादी तौर पर आप बदतमीज शख्स हैं, पर आज ये है मैं हुक्म साहब हूं कि रिश्ते में मैं आपका अब्बा जी होता हूं। मैं चार हुआ मैं मेरा, आप कोई तांबे मोहम्मदीन के सामने नहीं खड़े। हाँ बाबा जी, बैठ कर केले खाएं, सेब का जूस पिए,
मैं तो यहां मेरे मुलाकात करके रहूंगा। चल चढ़ा के चाहेगा चाहते हो बेटा। तुम्हारी मां अपने वकार की धज्जियां बिखेर दे, एक महज बाली के सामने घुटने टेक दे, टूट जाए और उसे जोड़ने वाला कोई ना हो। तुम क्या चाहते हो बेटा? की जिंदगी चाहता है मामा, इसके लिए चाहे आपके वकार की धज्जियां बिखर जाएं, एक महज बाली के सामने आपको झुकना पड़े या इस तरह से टूटना पड़े कि आपको जोड़ने वाला कोई ना हो। मजनू एक ऐसा शख्स था या फिर रांझा जो कशकोल उठाकर मोहब्बत के लिए भीख मांगने निकले थे, लेकिन ये नहीं सुना कोई लैला थी या फिर कोई हीर जिसने मोहब्बत के लिए भीख मांगी हो। तुमने किस लैला को भीख मांगते हुए देखा है? एक लैला बस वो बाली के घर बगैर कशकोल के गई थी। पता है टोनी द ग्रेट जो खुद भीख मांगते हैं उन्हें दूसरों के हाथ में खुश खोल देते और जैसे छीनना आता हो तो भीख नहीं मांगता। टोनी साहब तुम जो आगे बाली से छीन लोगी? मैं बाली को बाली से छीन लूंगी। गुस्सा न कर जोरा, उसने तेरे बाली की जान बचाई थी। तो ये बोलना जान बची तो जान उसके पैरों में रख के आया है। मुझे वो कलबूत नहीं चाहिए जिसमें बाली उधार दी हुई जान उठाए फिरता है। तुझे शक हो गया? मुझे यकीन हो गया। इस बात का यकीन हो गया कि बाली ने उसे दिल दे दिया? उसने जान बचाई है जोरा, उधार की शर्तों के मुताबिक उसको जान दे सकता हूं। दिल नहीं दे सकता। तुम क्या चाहते हो बेटा? तुम्हारी मां अपने वकार की धज्जियां बिखेर दे,
महज बाली के सामने घुटने टेकते टूट जाए और उसे जोड़ने वाला कोई ना हो। तुम क्या चाहते हो बेटा? वो अपने हिस्से की जिंदगी चाहता है मामा। इसके लिए चाहे आपके वकार की धज्जियां बिखर जाएं, एक महज बाली के सामने आपको झुकना पड़े या इस तरह से टूटना पड़े कि आपको जोड़ने वाला कोई ना हो। से में आया है और मैं अपने बच्चे की मोहब्बत में ये काम भी कर गुजरूंगी। मालिक आदमी है हमेशा जिसके सामने हथियार डाल दिए जाएं फिर उसको अपनी मर्जी करने देते हैं। जी को मैंने अब अपने हाथों से मारना है। मैं साथ जाऊंगा। मैं साथ नहीं है। तेरी ड्यूटी घर पर है। घर संभाल। दो घंटे बाद जज्जी के लिए हाथ उठाकर फातिहा पढ़ लेना। बाली का घर कहाँ है? अगर आप उसके बाप के मरने का अफसोस करने आई हैं, तो इसकी जरूरत नहीं। वो अपने बाप के मरने का अफसोस नहीं करता। इसका मतलब है आप अफसोस करने नहीं आई हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। कब मरा उसका बाप? पिछले महीने की 15 तारीख को। नहीं जी, उसने फांसी ले ली। उसका उसका नाम क्या था? भैया आदम। बाली ने उसको सारी उम्र नहीं देखा जी। उसकी माँ से शादी के 9 दिन बाद उसे छोड़कर चला गया। सुना है उसने किसी अमीर कबीर औरत से शादी कर ली।
پرانے کہتے ہیں بندہ موت کے سامنے لائی لگ ہوتا ہے وہ اسے جہاں چاہے ہاتھ پکڑ کر لے آتی ہے چرم کر بلی تو نے میرا نمک کھایا ہے تیرے نمک کے بدلے بالی نے خون بہایا مر مبارک مجھے ججی کی لاش چاہیے بالی لاش تو ملے گی مر مبارک پر تیرے ابا جی کو ملے گی بڈے بھائی کا عشق مر چراغ کو راس نہیں آیا کلمہ پڑا ہے میرا یار ہے اور بالی کسی پہ بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے باقی عمر ڈاکٹری کرنی ہے تو چپ کر کے ججی کی گولیاں نکال اسے کچھ ہو گیا تو کل اس ٹوپی سے تیرا چیک اپ شروع ہو جائے گا صرف گولیاں نہیں نکالنی اسے زندہ بھی رکھنا ہے یہ بہت ضروری ہے صاحب بڑے غصے میں تڑپتے پھرتے ہیں اگلے چند گھنٹوں کی بات چھوڑے بھجی پچھلے چند گھنٹوں کی بات کریں حکم نے ججی کو گولی مروا دی ہے جی بچ گیا مطلب اور وہ گولی گولی اس نے چوس کر پھینک دی کام رہا
आप से। तुम बैठो, वापस जल्दी जाना है, इसलिए बैठूंगा नहीं। जोरा से डरते हो? डरता मैं किसी से नहीं माम जी, लेकिन 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 डरते बैठूंगी। जाने लगी थी तो जोरा ने मुझसे अंग्रेजी में क्या कहा था? कहा होगा मुड़कर वापस ना आना। तुम्हें कैसे पता? मैं लिफाफा देखकर खत का मजमून पढ़ लेता हूँ। तुमने उसे कुछ नहीं कहा? नहीं। क्यों? आपने कौन सा फेरा ना है? तुम एक बदतमीज होकर और चाहे लड़की से मोहब्बत करते हो। बुरे का तो पता नहीं माम जी पर है। अच्छा नहीं लगा।